उत्तराखंड के हल्द्वानी में नगर निगम ने एक मदरसे और नमाज के लिए बन रही कथित अवैध इमारत पर बुलडोजर चला दिया। इसके बाद वहां हिंसा भड़की। इस विवाद के चलते 6 लोगों की मौत की खबर सामने आई है, वहीं कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। इसी बीच ये वीडियो हल्द्वानी में हुई हिंसा से जोड़कर शेयर किया जा रहा है। इस्कॉन कोलकाता के उपाध्यक्ष और प्रवक्ता राधा रमन दास ने भी इसी दावे के साथ ये वीडियो ट्वीट किया और कई यूजर्स ये वीडियो उत्तराखंड विधानसभा के पास यूसीसी बिल के विरोध में उतरे मुस्लिम समुदाय का बता रहे हैं। वीडियो की सच्चाई का पता लगाने के लिए ऑल्ट न्यूज ने इसके फ्रेम्स को रिवर्स इमेज सर्च किया और हमें 8 मई 2022 का ये ट्वीट मिला। ट्वीट में यूजर ने बताया है कि ये दृश्य हरिद्वार के ज्वालापुर ईदगाह में नमाज अदा करने के बाद के है। यहाँ इतना तो साफ हो जाता है कि इस वीडियो का हाल में हल्द्वानी में हुई हिंसा से कोई लेना देना नहीं है। ऑल्ट न्यूज ने हरिद्वार के ज्वालापुर ईदगाह के गूगल स्ट्रीट व्यू का मिलान वायरल वीडियो से भी किया। इससे ये बात क्लियर हो गई कि ये वीडियो हल्द्वानी का नहीं बल्कि ज्वालापुर का है। ध्यान दें कि 3 मई 2022 को ईद उल फितर मनाया गया था और हमें उस वक्त की ये वीडियो रिपोर्ट भी मिली जिसमें ज्वालापुर ईदगाह के विजुअल है। हरिद्वार पुलिस ने भी वायरल वीडियो को लेकर क्लेरिफिकेशन दिया था, यानी हल्द्वानी में हुई हिंसा से जोड़कर साल 2022 का ज्वालापुर का वीडियो चलाया गया।